नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल्दी पतला और पेट अंदर करने की आयुर्वेदिक दवा के बारे में। हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने की 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। और अब हम बात करते हैं कि आप पानी कैसे पीते हैं। पानी को ग्लास में डाला और घट घट करके एक साथ पी लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में 3 रोग आ सकते हैं। पहला अपेंडिक्स, हर्निया और हाइड्रोसिस। यह बीमारी उन्हें आती है जो घट घट करके पानी पी लेते हैं। अब पानी कैसे पिए, जैसे हम चाय पीते हैं या फिर गर्म दूध पीते हैं, यानी कि सिप सिप करके पानी पिए। सिप सिप करके पानी पीने से क्या होता है, वजन भी कभी नहीं बढ़ता है और सिप सिप पानी से वजन कम भी होता है। चिंता न करें, जितना वजन आपका बढ़ा है उतना ही घटेगा। एड़ियों में दर्द है या जॉइंट में पेन है या फिर सिर में दर्द रहता है तो वह भी इससे दूर हो जाएगा। यानी कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है और सुबह जूस पीना है, दोपहर में हमें लस्सी लेनी है और रात में दूध पीना है। इन नियमों के अलावा एक उपाय बता रही हूँ जिससे कि वजन कम होता है, अलसी, जीरा व अजवाइन। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है जो वजन कम करने में सहायक है। जीरा इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है और अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब अलसी को तवे पर सेक लें। जीरे में अगर नमी है तो उसे धूप में सुखा लें। अब इसे कैसे यूज करना है, 3 चम्मच अलसी के बीज और 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन लेना है। इसे पीसकर बिल्कुल महीन चूर्ण बना लेना है। यह चूर्ण लेने के टाइम ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद गुनगुना पानी ही यूज करना है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अब इस चूर्ण को कैसे लेना है, इस बारे में बात करते हैं। चूर्ण को नाश्ते से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है, जिससे कि हमारा वजन जो है जल्दी ही कम होता है। अगर आप और जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो चूर्ण को 2 बार लें, यानी रात में भी लें। ध्यान रखिए, अलसी की तासीर बहुत गर्म होती है तो ठंडी चीजों का ही सेवन करें और एक्सरसाइज या रनिंग वॉकिंग जरूर करें। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।